हाय एवरीवन, आज एक बड़ी बात कहूंगी, फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं अमर। आज ये ठंडी बहुत कम लग रही है। आज मैं बता रहूंगी दुनिया का, इंडिया का टॉप, वर्ल्ड का टॉप बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर का नाम, उनका नाम है संदीप महेश्वरी। तो उनका वीडियो, जो वीडियो भी उनका चैनल पर है, प्लीज़ सबको देखिए। बहुत आपको, आप लोगों को काम करने के लिए एक मोटिवेट मिलेगा। और कुछ ही वीडियो मैंने, मुझे जो मोटिवेट कर रहा है, मैं इसको कॉपी करके मैं चैनल पे दे रहा हूँ, ताकि आपको उन बातों को अच्छी तरह से जानना है और समझना है और उसे ठीक है काम में लगाना है। तो क्या क्या वो बात कर रही है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर लेकर मैं आऊँगी उनका वीडियो को, जो आपको जाना नियत जरूरी है, क्योंकि 100 वीडियो तो आपको देखने का टाइम नहीं है। तो जितना वीडियो कम से कम आपका फायदेमंद होगा, आपके काम के लिए होगा, उस वीडियो को मैं लेकर इस चैनल पर आऊँगी। चलो देखिए उसका वीडियो, जो आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हो, जितने भी स्टॉक मार्केट आपका मोबाइल पर आता है, ऑटोमेटिक आता है, ग्रो ऐप हो, जो भी आप मोबाइल चलाते हो, बहुत बहुत ऐप आता है, इसको आप खेलो पैसा मिलेगा, उसे खेलो पैसा मिलेगा, वो ट्रेडिंग करो पैसा मिलेगा, प्लीज़ इस आपको मत खेलिए, क्योंकि आपका सारा डाटा जी महेश्वर में इसी तरह एक लोग है जो इनका बात इसी तरह दिल में छू जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उन बात सुनने के लिए। और आप भी सुनिए, आप भी मुझे कहिए कि ना भाई, आप जो बोला है ठीक बोला है। ये ऐसा उनका बातों में जादू है। बहुत सारा भी यूट्यूबर है, बहुत सारा मोटिवेटर भी है, मगर मैं मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संदीप महेश्वरी को। मैं और किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, मगर संदीप महेश्वरी ने मेरे लिए गुरु है और मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप भी इसका वीडियो देखिए, और इस वीडियो को खाली देखने से नहीं होगा, काम पे लगाइए। सही तरीका है आपको काम लगाने के लिए। तो इसलिए बताओ, जो दिखेगा नहीं वो सीखेगा नहीं, जो सीखेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। क्या बात बोला ने संदीप सर ने, आप जरा वीडियो लास्ट तक देखिए, सब समझ जाएगी। और इसी तरह वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा। अगर इसको चैनल को जुड़ी रहना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट ना गो। ऐसा एक मोटिवेटर लोग है जो यूट्यूब से भी जानते हो, एक पैसा भी नहीं लेते हैं, वो फ्री में सब देते हैं। और वो चाहते हैं कि दुनिया का जितने सारे लड़के लड़की हो, जो भी हो, जो भी लोग हो, अच्छी तरह से उनका बात सुने और उसे काम में लगाए और आगे बढ़े। तो मैं उसका बड़ी फैन हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप उसी का सब्सक्राइब हो रहे हो, आप यदि अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करिए और कमेंट करिए। और मैं भी आपको कुछ इसी तरह टिप्स लेके आऊँगी, जो आपके कुछ टॉपिक जो आपको बहुत, माने जितना वीडियो हो, आप तो देखने का टाइम नहीं है, जितना वीडियो चाहिए आपको ज़रूरत, मैं आपको लेके दो आऊँगी इस चैनल पर। जुड़ी रहिए मेरे साथ। लॉकडाउन के टाइम पर मेरे पास में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने क्या किया, एक बुक है बेंजामिन ग्राम की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफे के गुरु रह चुके हैं, तो उस बुक को पढ़ा और बहुत ही डीपली पढ़ा, एक एक चीज़ को बारीकी से समझा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होती है। उसके बेस पे एक स्टॉक भी निकाल लिया, सिर्फ एक निकला उसके बेस पे, इंडियन पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर से, मुझे और कोई दूसरी कंपनी मिली ही नहीं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उसकी मार्केटिंग हो जाएगी एक तरीके से। सिर्फ एक स्टॉक मिला और वो स्टॉक का प्राइस पॉइंट भी मुझे पता था कि ये है, उसमें मैं घुस गया। ओके, अब मुझे पता था कि एग्जैक्टली इतना होने वाला है और आज की रेट में उतना ही है, क्योंकि एक साल हो गया है। So, ये सब उस वक्त तो 2000 का था, तो मुझे पता था कि इतने टाइम बाद वो 5000 का होगा, और मुझे ये भी पता है कि वो अब आने वाले इतने टाइम बाद 50000 का होने वाला है, यानी अगर मैंने इतना लगाया तो इतना होने वाला है। प्लस मुझे ये भी पता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, उस कंपनी की मैंने पूरी एनुअल रिपोर्ट स्टडी करी है। बट हुआ क्या, उसकी वजह से मेरी अटेंशन वहां पर जाने लग गई, थॉट्स बढ़ गए, मुझे दिखता है जब थॉट्स बढ़ जाते हैं, जब थॉट्स बढ़ गए उससे रिलेटेड, तो अब मैं ये काम कैसे करूं जो अभी कर रहा हूं। जी, मैंने सारा पैसा वहां से निकाल लिया और मैंने अपने लिए एक रूल बना दिया कि आज के बाद मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब अगर कोई इसको वीडियो को सुनेगा या देखेगा, वो कहेगा आप तो पागल हो, जब आपको पता है कि वो आज 2000 का है, कल 50000 का होने वाला है, या 10 साल बाद या 20 साल बाद 50000 का होने वाला है, तो क्यों नहीं कर रहे। आज आपके पास में एक्स है तो वो बढ़ करके इतना पैसा हो जाएगा आपके पास में, क्योंकि मेरे लिए मनी इज सेकेंडरी एंड मेंटल स्पेस इज प्राइमरी।
So you don't want your mental space to occupy there and to go there time to time to check what is going on in the company. मतलब मुझे कुछ भी मिल रहा है, लिख दिया मतलब लिख दिया कि अब पूरी जिंदगी मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो फ्लक्चुएशंस है या वो जो भी कुछ होता है, वंस वी आर इन्वेस्टेड समवेयर, तो दैट टेक सम स्पेस हियर, और उसके बाद माइंड के थॉट्स और माइंड के अदर थिंग्स अपने आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है. अब उससे रिलेटेड थॉट जिंदगी में कभी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ये भी बना दिया मुझे क्या नहीं करना है, ये भी बना दिया क्या करना है.